दोस्तों आज मैं बहुत ही अवेटिंग वीडियो को बनाने जा रहा हूं और आज ये वीडियो प्लीज जोर देना, क्योंकि मुझे 50 बार पूछा था कि सर नोडल अथॉरिटी को मेल कर दिया, एपिलेट को मेल कर दिया टेलीकॉम के अंदर, लेकिन कोई कंपनी सुनाई नहीं दे रही, हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन सब के बाप दोस्तों, मतलब टेलीकॉम कंपनियों में अगर दोस्तों जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल कोई भी कंपनी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपकी है, और इनके उच्च अधिकारी और टॉप मैनेजमेंट अगर आपकी बात नहीं सुन रहे, तो किस तरह से आप कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में फ्री में ऑनलाइन दोस्तों केस फाइल कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ। आपने सही सुना, कंज्यूमर कोर्ट में किस तरह से आप दोस्तों यहां पे ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हैं, किस तरह से आपको 110% यहां पे जस्टिस मिलेगा, और ये कंपनियां जो है बड़ी बड़ी जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, ये आपको सॉल्यूशन देने पे मजबूर हो जाएगी। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में आज वीडियो बताऊंगा, लाइव आपको बता रहा हूं किस तरह से कंज्यूमर कोर्ट पे ऑनलाइन आप किस तरह घर बैठे बैठे यहां पे फाइल कर सकते हैं, कोई पैसा लगने वाला नहीं है, फ्री में आपको दोस्तों यहां पे टॉप मैनेजमेंट दोस्तों यहां पे हिल जाएगा इस मेल को देखने का। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फैन। तो फ्रेंड्स मुझसे 50 बार ये पूछा गया सर कंज्यूमर कोर्ट में कैसे फाइल किया जाए, कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जाए, फॉर्म कैसे पी किया जाए। अगर मैन्युअली देखा जाए तो हर स्टेट में, हर 200 डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर फोरम्स होती, कोर्ट्स वगैरह होती, वहां पे जाके फाइल कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने दोस्तों आपको ऑनलाइन मैकेनिज्म दिया है जहां पे आप जाके बड़ी आसानी से 5 मिनट के अंदर किसी भी कंपनी के खिलाफ यहां पे फाइल कर सकते हैं दोस्तों कंप्लेन, या कोई भी चीज, टेलीकॉम हो दोस्तों, डीटीएच हो, ब्रॉडबैंड हो, बैंकिंग हो, स्कूल हो, कोई भी किसी भी तरह का मैटर हो आप यहां पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यहां पे टेलीकॉम कंपनी रहने वाली है। टेलीकॉम कंपनी दोस्तों जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, कोई भी कंपनी अगर आपको सर्विस नहीं दे पा रही, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं 100 रुपया हो या 1000 का प्लान हो, लेकिन अगर पैसा देते हैं सर्विस मिलनी चाहिए, और कंपनी अगर सर्विस देने से आनाकानी करती और आपको सॉल्यूशन नहीं देती, तो आप यहां पे दरवाजा खटका सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट का। कैसे काम करना है उसके लिए मैं ले चलता हूं आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, बताता हूं किस तरह से आपको यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा, किस तरह से आप यहां पर बड़ी आसानी से 5 मिनट के अंदर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकेंगे कंज्यूमर कोर्ट में भी फ्री में। चलिए बस मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप देख सकते हो दोस्तों भारत सरकार की दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे जागो ग्राहक जागो क्लियर बता हुआ है। किसी भी तरह की चीज, आप कंज्यूमर है दोस्तों, आप 1 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते हैं, 1 करोड़ का परचेस करते हैं, आपके ग्राहक के राइट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो यहां पे आपके लिए बैठे हैं जागो ग्राहक जागो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स दोस्तों, पूरा का पूरा इनका वेबसाइट है जहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेन करने से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आपको, तो यहां पे दोस्तों आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, कैप्चा डाल सकते हैं यहां पे। उसके लिए आपको पहले यहां पे अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बस ये 3 चीज डाली, कैप्चा डाला, हो गया काम। आपका ईमेल एड्रेस मोबाइल डालो और आपका जो पासवर्ड दोस्तों आप चूज करते हैं वो डाल दो और आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं किस तरह से मैंने रजिस्टर किया, मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूं, तो मैं आपको दोस्तों यहां पे दिखाता हूं कि किस तरह से काम ये करता है। तो मैं यहां पे मेरा डाल देता हूं, ये कैप्चा जो है दोस्तों भर देते हैं फटाफट से। कैप्चा थोड़ा ध्यान से भरना, क्योंकि कभी कभी ये जो कैप्चा वाला है ना बहुत नाटक हो जाता है। देखो कैप्चा का नाटक हो गया ना यहां पे, तो मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से काम करता है। ओश ओके, हम आ चुके हैं अंदर दोस्तों। कैप्चा के बहुत नाटक होते हैं, सरकारी वेबसाइट है तो थोड़ी बहुत चीज़ चला लेना आप। तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों यहां पे, मैंने ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं लिनोवो जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ यहां पे केस किया था। मेरा लैपटॉप रिप्लेस हो चुका है, नया आ चुका है, रिप्लेस और रिटर्न हो चुका है, पैसा वापस मिल चुका है। तो ये होता है, इसके बारे में कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा किस तरह से कंपनी पे केस करते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं आपकी ग्रेवेंस की हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी, कौन सा है दोस्तों आपका डैशबोर्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा, कितनी आपकी ग्रेवेंस है, क्या क्या प्रॉब्लम आपकी थी, वो सबका सब दोस्तों पता चल जाएगा, कौन से दिन आपने डाली थी, मतलब सबको ट्रैक कर सकते हैं आप यहां पे। अब यहां पे हमको करना है दोस्तों कोई भी कंपनी जैसे मैंने टेलीकॉम कंपनी के अंदर, तो यहां पे आपको रजिस्टर ग्रेवेंस में जाना है, कंप्लेन लॉन्च करनी है। तो देखेंगे दोस्तों कुछ-कुछ मैटर्स इसमें नहीं आते, हमारे टेलीकॉम के तो आते, लेकिन देखिए कुछ-कुछ मैटर्स इसमें नहीं आते हैं, जैसे कि आरटीआई होगा नहीं आएगा, कोर्ट रिलेटेड सब ज्यूरिस मैटर होगा, कोर्ट वाला कोई मर्डर वर्डर ये सारे केसेस ये नहीं आने वाले हैं, ग्रेवेंस अगेंस्ट फॉरेन गवर्नमेंट बाहर की गवर्नमेंट के लिए नहीं आएगा, रिलीजियस मैटर धार्मिक कुछ मैटर है वो नहीं आने वाला, सजेशंस वगैरह ये सारी चीजें यहां पे नहीं आने वाली, ठीक है। तो कंज्यूमर के रिलेटेड कुछ भी चीजें अगर कोई प्रोडक्ट परचेस किया आपने किसी भी कंपनी का, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पे आएगा। अग्री
भी आपको करना अग्री करने का दोस्तों, आप यहाँ पे आ चुके हैं। देखेंगे दोस्तों क्या है आपकी ग्रीवेंस, दोस्तों यहाँ पे क्वेरी है क्या है आपकी, तो इसमें आप चूज कर लेते हैं, हमारी कंप्लेन है, क्वेरी नहीं, यहाँ पे हमारी कंप्लेन है, इसको चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे दोस्तों गुजरात सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और मैंने कुछ मैकेनिज्म पहले से बना के रखा है यहाँ पे, बता दूंगा आपको। सिटी दोस्तों सिलेक्ट चूज कर लेते हैं अहमदाबाद यहाँ पे, और देख सकते हैं सिलेक्ट इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट करनी है। अब ये मेन चीज है कौन सी इंडस्ट्री है दोस्तों जिसमें आपकी कंप्लेन हुई, कौन सा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या है। तो हमारा जो है देखें ऑटोमोबाइल है, ड्रग्स है, कॉस्मेटिक, डीटीएच वगैरह, डीटीएच में भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हो सकता है, डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए मैं। ई कॉमर्स में अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह कंपनी अगर परेशान करती कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आपने कोई परचेस किया जैसे कि मैंने लैपटॉप किया था तो वो इसके अंदर यहाँ पे आता है। एफएमसीजी है, मतलब सारा का सारा दोस्तों जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, हायर एजुकेशन है, हेल्थ है, इंश्योरेंस है, मास्क, म्यूचुअल फंड, जितनी भी दोस्तों अलग अलग पोस्टल है सब कुछ यहाँ पे आ जाए। रियल एस्टेट में किसी बिल्डर ने आपको चूना लगाया तो उस बिल्डर के खिलाफ भी आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं सबका सब। सैनिटाइजर अभी जैसे बिक रहा है दोस्तों दो नंबर में तो वो भी कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन वगैरह सब कुछ है। हमारा टेलीकॉम यहाँ पे आता है तो टेलीकॉम यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है, टेलीकॉम दोस्तों चूज कर लिया। अब टेलीकॉम देखें यहाँ पे वाइज लैंडलाइन वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है, जीएसएम का, तो हमारा जीएसएम का यहाँ पे आएगा ठीक है। और उसके साथ आपको यहाँ पे कंपनी चूज करनी है, भारत में जितनी भी कंपनी फिलहाल काम करती है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, आइडिया है, एमटीएनएल है, यहाँ पे मैट्रिक्स तो बंद हो चुकी है, जियो है, टाटा इंडिकॉम है, वोडाफोन है। यहाँ पे टाटा इंडिकॉम मैट्रिक्स नहीं काम करती लेकिन यहाँ पे सारी कंपनी है, वोडाफोन है, एयरटेल है, यहाँ पे आइडिया है, बीएसएनएल सब कुछ है, जियो वगैरह। तो आपको यहाँ पे जैसे कि मैं फिलहाल अभी एक एयरटेल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ ठीक है, कि आपको यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी भी कंपनी जो भी आपको प्रॉब्लम है दोस्तों एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एयरटेल यहाँ पे चूज कर लिया। यहाँ पे आपको आपका नंबर डालना है, कौन सा नंबर है दोस्तों आपका जिसमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, देख सकते मोबाइल नंबर या वो, तो इसमें कोई भी नंबर डाल लेते। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एक नंबर ऐसे ही डाल देता हूँ दोस्तों, मैं एक डेमो नंबर डाल रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही। कनेक्शन आईडी दोस्तों आपको यहाँ पे डालना, आपका कनेक्शन आईडी क्या है, मतलब किस नाम पे आपका था, क्या आईडी था, तो कनेक्शन आईडी भी मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ ठीक है। और इसके बाद आपको कनेक्शन टाइप किस तरह का कनेक्शन था, प्रीपेड था या पोस्टपेड था, पोस्टपेड कनेक्शन है प्रीपेड तो प्रीपेड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ग्रेवेंस नंबर, रेफरेंस नंबर आपको देना है, ग्रेवेंस नंबर आपको देना है, रेफरेंस नंबर आपको देना है यहाँ पे कि आपने कंप्लेन की थी पहले, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कंपनी की कंप्लेन की, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती है टेलीकॉम की बात करो तो उनके नो डॉलर एप्लेट होते हैं जिसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ मैं आपको। पहले आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है, डायरेक्टली यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाना, पहले आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है, उनको कंप्लेन करनी, वहाँ से सॉल्यूशन नहीं आएगा। फिर आपको यहाँ पे नोडल होंगे उनके, उनको मेल करना, अगर वहां से सॉल्यूशन नहीं आता तो एपीलेट अथॉरिटी होती है, एपीलेट अथॉरिटी इसको बोलते हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी की, उसे कंप्लेन करना है, वहां पे सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आपको यहां पे आना है। तो जो भी आपका यहां पे नंबर है, यहां पे जो भी आपको नंबर दिया था ग्रेवेंस नंबर जो वहां से आपको मिला है जहां पे सॉल्यूशन नहीं आया, वो टिकट नंबर आपको यहां पे डाल देना। तो मैं यहां पे कुछ भी ऐसे करके डाल देता हूं, ये खाली मैं शोकेस के लिए दिखा रहा हूँ, दिखाने के लिए आपको टिकट नंबर नहीं है। अमाउंट दोस्तों डिडक्ट हुई, अगर आपकी कोई पैसा वैसा कट गया है और आपको वो है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि मेरा यहाँ पे 500 रुपये चला चुका है, ऐसा वैसा ये भी डाल सकते हैं। नेटवर्क लोकेशन, कौन से एरिया में आपका नेटवर्क नहीं आता, तो मैं यहाँ पे नरोड़ा डाल देता हूँ अहमदाबाद का ठीक है। फिर नेचर ऑफ ग्रेवेंस क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है आपकी वो बताना आपको। एक्टिवेशन, अनसब्सक्राइब, सर्विस प्लान, अमाउंट डेबिटेड, आपका पैसा कट गया, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन केट, सर्विस ब्लॉक दोस्तों, कनेक्शन नॉट वर्किंग, डिसकनेक्शन, सर्विस बार वो नहीं होता, डीएक्टिवेशन, डिले एक्टिवेशन, डिले, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम, कॉल ड्रॉप्स वगैरह, तो मैं यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम का डाल देता हूँ कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, कॉल ड्रॉप्स मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे लेस देन 100 है, मतलब कितना रुपये का केस है, मतलब कितना है, मतलब ये भी बताया जाता है, बताया जाता है कि आपकी वैल्यू कितनी है, मतलब 100, 200, 500, 1000 क्या है। तो यहाँ पे डाल देते हैं 100 से 1000 रुपए के बीच में यहाँ पे मेरा कोई प्लान चल रहा है और वो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसमें स्पेसिफिक नहीं बता सकता। डीलर का आपको एड्रेस वगैरह बताना है, डीलर का एड्रेस तो यहाँ पे किसी भी कंपनी जैसे एयरटेल है तो एयरटेल का दोस्तों अहमदाबाद का जो भी हेड ऑफिस है उसके बारे में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खाली एक एग्जाम्पल के बताता हूँ, एयरटेल अहमदाबाद, ऐसे डाल देता हूँ खाली आपके दिखाने के लिए, बाकी पूरा एड्रेस आपको डालना पड़ता है। ये किससे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ग्रेवेंस की डिटेल्स आपको डालनी है, क्या प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में एक छोटा सा मैंने बनाया हुआ है जो मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ टेलीकॉम में क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बना रखी जो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, आई एम यूजिंग टेलीकॉम सर्विस, एक कंपनी का नाम दोस्तों आपको लिखना, जैसे एयरटेल है तो आई एम यूजिंग एयरटेल टेलीकॉम सर्विस फॉर लास्ट 2 ईयर्स, बट फॉर द लास्ट 2 मंथ्स द टेलीकॉम कंपनी नेटवर्क्स आर नॉट गुड इन माई एरिया, आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर कनेक्टिविटी एंड
डेटा स्पीड इज सो पुअर, मुझे नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिला, डेटा स्पीड बहुत खराब यहाँ पे कंपनी की, आई एम नॉट एबल टू डू माय वर्क, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट द नोडल ऑफिसर एंड द एपिलेट अथॉरिटी बट दे डिड नॉट प्रोवाइड मी द फाइनल सोल्यूशन। मैंने यहाँ पे नोडल को भी कंप्लेन की, मैंने एपिलेट को भी कंप्लेन की, उन्होंने सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया मुझे। एंड हियर आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू द रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज, प्लीज टेक सम स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द कंपनी टेलीकॉम कंपनीज एंड प्रोवाइड मी द फाइनल सोल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। मुझे जल्द से जल्द आप यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करिए, मैं जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट जो दोस्तों यहाँ पे है सरकार का, इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों पे कंप्लेन करें, स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे ले जाता, बस इस तरह का कुछ होता है दोस्तों, देख सकते हैं पोस्ट करके देख लेना बस यही चीजें। आपको डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कुछ हो, कुछ आपके पास यहाँ पे किसी का मेल वगैरह कोई आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट तीन डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड ही होने चाहिए सारे के सारे, जैसे आपने मेल किया था पहले नोडल को तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके डाल देना यहाँ पे, एपिलेट को क्या था वो भी डाल देना, कंज्यूमर जो कस्टमर केयर को क्या था वो भी, जो आपका है नेटवर्क नहीं आ रहा आपका तो उसका भी कोई स्क्रीनशॉट है वो भी लेके डाल देना, जिससे आपका जो केस होता है मजबूत बनेगा। एविडेंस आपके पास होने चाहिए, क्या बेसिस है कि आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके बता देना कि देखो डंडे नहीं आ रहे, आपने क्या बेस आपके पास प्रूफ है कि आपने यहाँ पे नोडल को मेल किया है, एफिलेट को क्या था, उनका जो मेल आपने किया है उनको पहले, वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ ऐसा आपको करना है और इसके बाद आपको उसको सबमिट कर देना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे सबमिट करेंगे आप देखेंगे आपका ग्रीवेंस जो है यहाँ पे डन हो चुका है, हैज बीन सक्सेसफुली लॉज। मैं यहाँ पे हिस्ट्री में जाके दिखाता हूँ आपको, हिस्ट्री में मेरी दूसरी वाली जो दो ग्रीवेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है, पहली ऑलरेडी मैं आपको बता सकता हूँ कि वो जो है दोस्तों मेरी लिनोवो की यहाँ पे फिलहाल चल रही है, यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेल आ चुकी है, यहाँ पे मेरी नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, जिसको मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगा, मेरा नाम वगैरह मैंने डाल रखा है गुजरात, एयरटेल दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वो सब कुछ है, मोबाइल नंबर वगैरह नरोड़ा ये सब कुछ मैंने डाल रखा है, सारी की सारी चीजें आ चुकी है। अब यहाँ पे जो होगा यहाँ पे काम हो जाएगा, फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हो चुका, तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, फ्री का सौदा है। यस, कोई भी कंपनी हो, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल पे कैसे कंप्लेन करनी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इनके नोडल और एपिलेट अथॉरिटी होती है, उनको आपको मेल करना है, आपको 99% वहां से सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अगर ये लोग नहीं सुन रहे, मोटी बुद्धि वाले अगर आपके एरिया में और बिल्कुल नहीं सुन रहे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा और आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो कंज्यूमर फोरम आपके लिए फ्री में, यस पूरा सरकार का एक मैकेनिज्म बना हुआ है, वो लोग फिर डायरेक्टली आपके बिहाफ में इनसे एक्शन करते हैं, वो इनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं, उन पर जुर्माना लगा सकते हैं, यस उन पर जुर्माना लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप लॉस ऑफ डैमेज भी फाइल कर सकते हैं, उनसे हर्जाना भी मांग सकते हैं, यस मुझे 50,000 का नुकसान हो चुका है वो सब, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा आपको कि हकीकत में 50,000 का नुकसान हो गया। तो कुछ इस तरह से दोस्तों बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पे ऑनलाइन, यस दोस्तों कंज्यूमर फोरम के अंदर, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ, अगर कुछ भी आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो ये दोस्तों आपको रामबाण है, इसके बाद तो आपको दोस्तों मतलब 2-4 दिन लगते हैं काम हो जाता है और आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहती है, आपका रजिस्टर ईमेल एड्रेस पे आपको अपडेट आ जाएगी कि ये कंप्लेन कहाँ तक पहुंची, क्या कंपनी का रिप्लाई आया, कंपनी क्या बोल रही, क्योंकि इनको तो जवाब देना पड़ेगा, आपको भले कंपनी जवाब ना दे आपकी, इनको जवाब देते हैं और जो जवाब आता है इनके पास वो आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली मेल आ जाता है कि कंपनी ये बोल रही है, तो आप अगर सेटिस्फाइड है तो ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फिर से दोस्तों इनको बता सकते हैं कि नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है कंपनी के खिलाफ। तो दोस्तों ये था एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, मुझे 50 बार बोल रहे थे कि सर टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ किस तरह से कंज्यूमर कोर्ट में जाके फाइल करना है केस, वो बताइए घर पे बैठे बैठे, तो ये था वीडियो, डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा। दोस्तों अगर कुछ भी अभी भी डाउट है तो पूछिए अपने भाई से, आपका भाई यही बेटा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जो दे देना इस वीडियो को, प्लीज सभी दोस्तों के शेयर करिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ किस तरह से आप यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो फिलहाल इंडिया में कोई भी आपको बताएगा नहीं, तो प्लीज इस वीडियो को सारे दोस्तों के शेयर कर दीजिए, और पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जो दबा देना, इसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे, इसके पास देखिएगा घंटे का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले, तो प्लीज भूले बिना इस घंटे के बटन को जो दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।